अगर आपका वेट ज्यादा है, आप प्लस साइज हो, आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो और इसी वजह से आप अपने फेवरेट पार्टी वेयर ड्रेसेस को, पार्टी वेयर लहंगास को नहीं पहन पाते हैं, और जैसे कि ये सीजन शादी का, पार्टी का चल रहा है और किसी की देखा देखी में आपका भी मन करता होगा कि हाँ हम भी ऐसा ही फैंसी लहंगा पहन के पार्टी में जाए, शादी में जाए, लेकिन ओवरवेट होने के कारण आप ये सब नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड स्टाइल्स और कुछ ऐसे लहंगा डिजाइन जिसे आप भी शादी में, पार्टी में पहन पाओगे और अपने आप को भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर और अट्रैक्टिव दिखा पाओगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गर्ल्स, टिप नंबर 1 ये है कि अगर आप किसी शादी में, पार्टी में जाना चाहते हैं एंड अगर आप उस टाइम लहंगा पहनना चाहते हो, तो आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपके लहंगे में और चोली में ज्यादा गैप न रहे। कम से कम 2 से 3 इंच का गैप आप रख सकते हो। अगर आप ज्यादा गैप रखोगे तो आपका पेट दिखने लगेगा और वो अच्छा नहीं दिखेगा, आप और भी मोटे दिखने लगोगे। और गर्ल्स, और एक इम्पोर्टेंट बात, लहंगा खरीदते वक्त एक चीज का ध्यान जरूर रखना, तो वो है लहंगे का फैब्रिक। लहंगे का फैब्रिक जॉर्जेट, सैटिन और नेट में होना चाहिए। और फ्रेंड्स, वो लहंगा ज्यादा वॉल्यूम वाला होना चाहिए, हाई वॉल्यूम वाला होना चाहिए। इसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी को वो कवर कर लेगा और एक इल्यूजन आएगा कि आप स्लिम हो। इस चीज की वजह से आप थोड़े से स्लिम दिखने लगोगे। तो जब भी आप लहंगा खरीदने जाओगे तो इन टिप्स को जरूर ध्यान में रखना। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 2 है हाई वेस्ट लहंगा। अगर आप शादी में, पार्टी में लहंगे को पहनना चाहते हैं तो हमेशा एक बात को याद रखना, तो जब भी आप लहंगे को परचेस करोगे तो आपको हाई वेस्टेड लहंगे को परचेस करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी लहंगा है तो आपको उसे हाई वेस्ट पहनना है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जो आपका टमी फैट है वो थोड़ा हाइड हो जाएगा एंड एक इल्यूजन आएगा कि आप थोड़े स्लिम हो। और फ्रेंड्स, कभी भी आपको इस तरीके से लो वेस्ट लहंगा को नहीं पहनना है क्योंकि ये बहुत खराब लगता है और आपको और भी बड़ा करके दिखाता है। तो गर्ल्स, लहंगा खरीदते वक्त इन टिप्स का जरूर ध्यान रखना। एक तो लहंगा थोड़ा फ्लेरी होना चाहिए और दूसरा हाई वेस्टेड लहंगा होना चाहिए। तीसरा, लहंगे का फैब्रिक नेट, सैटिन और जॉर्जेट इस फैब्रिक में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, टिप नंबर 3 ये है कि लहंगे के टॉप एंड बॉटम का कलर सेम होना चाहिए। अगर आप ऊपर से नीचे तक लहंगे का कलर सेम रखते हो तो एक इल्यूजन आता है कि आप थोड़े स्लिम हो। और गर्ल्स, अगर आपका लहंगा प्लेन हो तो ये जरूरी नहीं है कि टॉप भी प्लेन हो। लहंगे का टॉप थोड़ा प्रिंटेड हो या फिर उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी हो तो भी चलेगा। और फ्रेंड्स, और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप प्लस साइज हो, फैटी हो, तो आपको लहंगे पर स्लीवलेस ब्लाउज को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप प्लस साइज हो एंड आप स्लीवलेस ब्लाउज को वेयर करते हो तो आपका आर्म फैट दिखने लग जाता है एंड वो बहुत खराब लुक देता है और आपको और भी बड़ा करके दिखाता है और भी फैटी दिखाता है। तो गर्ल्स, आपको इसी वजह से स्लीवलेस ब्लाउज को लहंगास पर बिल्कुल भी वेयर नहीं करना है। तो गर्ल्स, टिप नंबर 4 है जैकेट लहंगा डिजाइन। गर्ल्स, अगर आपका साइड फैट बहुत ज्यादा है तो आप जैकेट लहंगा को सिलेक्ट कर सकते हैं पार्टी में, शादी में पहनने के लिए। ये आपके पूरे साइड फैट को कवर कर लेगा और जैकेट लहंगा पहनने के बाद एक इल्यूजन आएगा कि आप थोड़े स्लिम हो और आपका साइड फैट थोड़ा कम है। और गर्ल्स, इस लहंगे की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लहंगे को जैकेट होने की वजह से आपको इस लहंगे पर दुपट्टा लेने की, दुपट्टा संभालने की झंझट नहीं होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई, स्लीवलेस ब्लाउज लहंगास पर अवॉइड करके आप एल्बो लेंथ वाले ब्लाउजेस भी ट्राई कर सकते हैं या फिर आप फुल स्लीव्स वाले ब्लाउजेस भी ट्राई कर सकते हैं। उससे एक इल्यूजन आएगा कि आपके हाथ थोड़े लंबे हैं और आपके हाथ थोड़े लंबे दिखने की वजह से आपका आर्म फैट थोड़ा कम दिखता है। नहीं तो उसके बजाय आप कैप स्टाइल ब्लाउजेस को भी ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप के ब्लाउजेस में आपका आर्म फैट कम्प्लीटली हाइड हो जाता है। तो आप किसी भी शादी में, पार्टी में इस टाइप के ब्लाउजेस को जरूर ट्राई करें। और गर्ल्स, टिप नंबर 5 है पेपलम स्टाइल लहंगा डिजाइन। इस टाइप का लहंगा आप शादी में, पार्टी में, कोई भी फंक्शन में आप आसानी से वेयर कर सकते हो। जिन लड़कियों का टमी फैट, साइड फैट बहुत ज्यादा है, वो लड़कियां पेपलम स्टाइल लहंगा को जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये लहंगा आपके टमी फैट एंड साइड फैट को पूरा कवर कर लेता है। और इस पेपलम स्टाइल लहंगे पर भी आपको दुपट्टा लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो दुपट्टा ले सकते हो। तो जो लड़कियां टम्मी फैट एंड साइड फैट ज्यादा होने की वजह से लहंगे को नहीं पहन पाती, तो वो लड़कियां इस टाइप के पेपलम स्टाइल लहंगे को जरूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, टिप नंबर 6 जो कि बोनस टिप है, वो है सारी स्टाइल लहंगा विद स्मॉल बॉर्डर। तो गर्ल्स, इस लहंगा में भी टम्मी फैट अच्छे से कवर हो जाता है और आपको थोड़ा सा स्लिम लुक मिलता है। अगर आपको लहंगे में स्लिम लुक चाहिए तो आपको ब्रॉड बॉर्डर वाले लहंगे बिल्कुल भी वेयर नहीं करने हैं, उसके बजाय आप स्मॉल बॉर्डर वाले लहंगे को वेयर कर सकते हैं। उससे एक इल्यूजन आएगा कि आप थोड़े टॉल हो एंड स्लिम हो। तो गर्ल्स, अगर आप प्लस साइज हो और कभी भी शादी में, पार्टी में जाने वाले हो एंड लहंगा पहनने वाले हो, तो मेरे बताए हुए इन 6 टिप्स को जरूर याद कर लेना। और आपके कोई प्लस साइज फ्रेंड्स है तो उन्हें भी ये वीडियो को जरूर शेयर कर लेना, शायद उन्हें भी कोई हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ऐसे ही टिप्स एंड स्टाइल के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। और गर्ल्स, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।